हेलो एवरीवन, होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम और दिन रात एक कर रहे होंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और हम सबका टारगेट है क्या, ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की 151 वैकेंसी में से सिर्फ एक सीट को हासिल करना। इफ आई एबल टू रिकॉल कि हमारी जो ये नोटिफिकेशन आई थी अगस्त मंथ में आई थी 2021 में, राइट right? और जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है वो होने जा रहा है 17 जुलाई को 2022 में। तो ऑलमोस्ट के ऑलमोस्ट शायद हमारा 10 टू 11 मंथ्स के बाद ये एग्जाम होने जा रहा है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। और ये आप सबके लिए वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लास्ट टाइम ये एग्जाम हुआ था हमारा 2012 में और 2012 के बाद सीधा अब 2022 में ये एग्जाम हो रहा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल। ये सारी चीजें बताने का मेरा मोटिव क्या है आपको कि भाई सिर्फ अराउंड 22 to 23 डेज बचे हैं हमारे पास एग्जाम के लिए। आज से 22 to 23 डेज बचे हैं तो हमें अपना फोकस लूज नहीं करना और अपनी प्रिपरेशन को डबल स्पीड से इंक्रीज करना है। अगर हम पहले 1 घंटा दे रहे थे तो अब 2 आवर्स देना स्टार्ट करना है, पहले 5 आवर्स दे रहे थे तो 10 आवर्स देना स्टार्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है ताकि ये एक सीट हमारी सेलेक्ट हो जाए, हमारी पक्की हो जाए। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे पेपर एग्जाम नियर बाय आते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्स की डेट क्लोज आती है, बच्चों के माइंड में दो डिलेमास आने शुरू हो जाते हैं। देखो एक तो क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोचने लग जाता है, एक वो स्टूडेंट जिसने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी होती, मीडियम प्रिपरेशन करी होती है, तो उसके माइंड में आता है कि यार सर इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस मैं ऑलरेडी कवर तो कर नहीं पा रहा, मेरे मार्क्स आ नहीं रहे, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर नहीं पा रहा, तो ये 20-22 डेज भी क्यों वेस्ट करूं, छोड़ो पढ़ना, जो भी होगा एग्जाम में देखा जाएगा, एग्जाम में मैं प्रिपेयर मतलब ऐसे ही एग्जाम देके आ जाता। तो उस स्टूडेंट का तो कभी भी नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं स्टूडेंट्स, या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, डायरेक्टली एग्जाम में करूंगा कि मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकता, वो पढ़ाई छोड़ देता है, या फिर स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसने तो सब कुछ पढ़ लिया, अब उसको जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, और यहां पे भी वो फंस जाता है और प्रैक्टिस को रिड्यूस कर देता है एग्जाम के टाइम पे और फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता। बल्कि होना क्या चाहिए, इन 22-23 डेज के लिए एटलीस्ट हमें कंसिस्टेंट, नहीं तो अपनी स्पीड को या प्रिपरेशन को इंक्रीज करना चाहिए, डबल मेहनत करनी चाहिए। ये हमें एक्स्ट्रा एज देते हैं एग्जाम के टाइम पे, हमें सारे सिलेबस को बार बार रिवाइज करना चाहिए, नंबर ऑफ मॉक्स को इंक्रीज करना चाहिए, मॉक्स का एनालिसिस वगैरह करना चाहिए, और नहीं तो नहीं, अगर डेली नहीं तो अल्टरनेटिव डेज पे मॉक्स तो जरूर देने चाहिए, राइट। अगर इन सब चीजों से भी मोटिवेट नहीं होता तो स्टार्ट करो कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था, प्रिपरेशन करनी स्टार्ट ही क्यों करी थी। याद करो हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर में। और अगर मैं हायरार्की की बात करूं तो भाई मल्टीटास्किंग स्टार सबसे लोअर लेवल होता है वहां पे, उसके बाद बंदा प्रमोट होता है एलडीसी में, लोअर डिवीजन क्लर्क में, फिर उसके बाद उसके ऊपर आते हैं अपर डिवीजन क्लर्क, उससे ऊपर हेड क्लर्क, फिर हमारे आते हैं एसएसओ, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर। मीन्स यू आर गोइंग टू बी सुपीरियर ऑफ ऑल ऑफ देम। तो उस चीज पे फोकस करो, अगर इससे भी मोटिवेशन नहीं मिलती तो अपने फ्यूचर परस्पेक्टिव के बारे में सोचो कि अगर आप डिप्टी डायरेक्टर लग जाएंगे तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि सीनियर डिप्टी डायरेक्टर लग जाओ, जॉइंट डायरेक्टर पे लग जाओ, या फिर उसके बाद रीजनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, या फिर डायरेक्टली इंश्योरेंस कमिश्नर भी। तो आपके पास चांसेस होंगे कि और हायर पोस्ट पे आप जा सकते हो, आपको बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट नहीं करना। और अगर सबने हमने नोटिफिकेशन सही पढ़ी होगी तो डिप्टी डायरेक्टर का टास्क क्या होता है, क्या टास्क है कि असिस्ट करना है उसे रीजनल डायरेक्टर को और जॉइंट डायरेक्टर को।
तो फोकस करो कि किस पोजीशन पे होगे अगर आपने ये 22 23 डेज में मेहनत कर ली, राइट right? और अगर इन सब से भी मोटिवेशन नहीं मिलती तो भाई फाइनेंशियल तो है ही अपना, फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो है ही हमारे पास, क्या सर? अगर नोटिफिकेशन बढ़ी होगी तो लेवल 10 हमारा पे स्केल रहने वाला है एज पर 7 CPC, राइट? और हमारी ये ग्रेड ए जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो अराउंड 80,000 to 90,000 रुपीज आपकी इन हैंड सैलरी होगी, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है ना? तो उस चीज पे फोकस करो और अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखो। और अगर मैं बात करूं सिलेबस की, अगर सिलेबस की बात करूं तो यही चीजों पे आपको फोकस करना है, इसमें बाउंड रहना कि इससे बाहर मत जाना, बाउंड रहना कि भाई इससे बाहर ना जाना प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो कुछ टॉपिक्स बाहर थे, कुछ चैप्टर्स के बाहर से टॉपिक्स थे, ये ना हो कि आप सब कुछ पकड़ रहे हो इस क्रूशियल मोमेंट पे, तो इन चीजों पे ही फोकस रखना, जितने हो सके इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, जितना हो सके इसे रिवाइज करना, इंग्लिश के मॉक्स लगाना, फुल लेंथ मॉक्स लगाना एक साथ बैठ के, जिससे आपको पता चले कि आपकी स्पीड कैसी है, राइट? और फिर मॉक्स लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि हम किस सेक्शन में वीक हैं और किस पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स के पास वो भी था, अननोन एनरोल्ड स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कि आप मॉक टेस्ट दोगे, तो फाइनली उनके लिए हमने मॉक टेस्ट भी रिलीज कर लिए, तो जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे, जो एनरोल्ड स्टूडेंट थे उन्हें तो कोर्स के अंदर ही हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं, लेकिन जो नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट थे जो डिमांड कर रहे थे कि सर हमें भी मॉक टेस्ट चाहिए, तो उनके लिए मॉक टेस्ट हमने रिलीज कर दिए हैं, तो उनको क्या करना है, सीधा लॉग इन कर लेना है anujindal.in पे, फिर इंश्योर कर लेना यहाँ से कि जो आपका सेगमेंट खुला हो, जो आपका सेगमेंट हो वो ESI डिप्टी डायरेक्टर ESI वाला ही हो, तो ESI को सेव कर लेना, तभी आपको मॉक टेस्ट दिखेंगे। तो जब नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो वहीं पे सबसे ऊपर आपको क्या दिख जाएगा, ESI डिप्टी डायरेक्टर टेस्ट सीरीज। तो ये हमने उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉट एनरोल्ड है और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए रिलीज कर दी है, ठीक है? इसके अंदर आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो जितने ज्यादा मॉक्स लगाओगे उतने चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। और रही बात सर फीस की, तो अभी पता था आप सब बोलेंगे कि सर ये 1500 तो बहुत ज्यादा है, तो आपको 1500 पे नहीं करने, राइट? 1500 नहीं पे करने, इस पे आप डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं जिस पे आपको 40% का बम्पर 40 हमारा डिस्काउंट कोड चल रहा है इस टाइम, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये अराउंड 600 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आपको कॉस्ट करेगा ये 900 के अराउंड, ठीक है? तो जितने मॉक्स हो सके उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने MCQs हो सके उतने प्रैक्टिस करो, और याद रखना ऑलमोस्ट के ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है और सिर्फ 22-23 डेज आपको और मेहनत करनी है, पता नहीं आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी दोबारा आए या फिर ना आए, तो इस चीज पे ध्यान रखना, अपनी मेहनत को बिल्कुल भी रिड्यूस ना करना, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी रिड्यूस ना करना, ठीक है? अगर कोई डाउट्स हैं कुछ से भी रिलेटेड तो आप वो हमारे पास टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ESI डिप्टी डायरेक्टर anujindal के नाम से, वहां पे आप कोई भी क्वेरीज आ रही है, कोई भी डाउट्स हैं तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, वहां हम आपके डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। और फर्दर अपडेट्स के लिए या और एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप anujindal चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैप्पी लर्निंग।